सीटें, जिनको सीटें लेनी होती हैं, जिनको वोट लेने होते हैं, वो हर जगह से लाते, लेकिन इस चीज़ को कोई नहीं देखता। हमें शर्म आती है कि हम मुसलमान हैं। हम जिस अल्लाह की ज़मीन पर रह रहे हैं उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते, हम किसी के लिए क्या करेंगे? आज देखे कुरान शरीफ इस तरीके से पढ़े हुए, हम फुटबॉल पर जब कलमा लिख के गया था तब तो हमने बड़ा शोर मचाया था, जब फलस्तीनों के ऊपर हो रहा था जुल्म तब तो हम बहुत बोलते हैं, लेकिन यार हमारे अपने कराची में हमारे मुस्लिम स्टेट के अंदर ऐसा हो रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ हुक्मरान देखें यहाँ हो क्या रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मैं हमारे हुक्मरान इमरान खान से हाथ जोड़ कर इस चीज़ की अपील करती हूँ, इस चीज़ की मुझे अपील करती हूँ कि गुजारा गुजारा उन्हें अल्लाह रसूल का वास्ता, उन्हें उन्हें सबका वास्ता कि वो ये जो कुरान शरीफ पढ़े हुए, ये जो लोहे कुरान पढ़े हुए, ये जो किताबें पढ़ी हैं, इन सबको जो उठाएँ, इन पर एक्शन लें। बाकी सब बातों पर तो एक्शन लिया जाता है। मैं आपको मुझे अपील करती हूँ खुदारा, आपको अल्लाह रसूल का वास्ता कि आप इन चीज़ों पर एक्शन लें, इस जगह की बाउंड्री लगाकर उसकी बंदी की जाए, जल्द से जल्द सब कुछ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर जानवर इंसान बाकी सारी चीज़ें गुजरती हैं, मट्टी के अंदर धंसे हुए हैं, आप खुद देख सकते हैं, ये देखें, ये देखें मट्टी के अंदर से है कुरान शरीफ। ये अल्लाह की बात है, ये दीन है हमारा, ये हमारा दीन है, हम मुस्लिम स्टेट में रहते हैं, नालाते हमारे ऊपर, नालाते हमें हमारे मुसलमान होने के ऊपर, ये देखें आप, ये मुस्लिम स्टेट में रहते हैं, ये लीजिए लुगदा है कुरान, हमें शर्म आनी चाहिए, ये देखें हमारे लोहे कुरान, ये देखिए जा रहे हैं यहाँ जलाए जा रहे हैं, हम मुस्लिम स्टेट में रहते हैं, हम हमें शर्म आनी चाहिए कि हम मुस्लिम स्टेट में रहते हैं। ना जाने कब से पढ़े हुए, पता नहीं कितने सालों से पढ़े हुए हैं यहाँ पर, जो दबे मैंने बोली निकाल बेटा, पैर में नहीं आए, पैर में नहीं आए, ये देख वो पूरा कुरान शरीफ है, ये देख पूरा कुरान शरीफ है, पूरे कुरान शरीफ है, पूरे वहां जाके आगे करीब से, ये देखिए टोपियां, ये देखिए।